नमस्कार दोस्तों दोस्तों, थैंक यू सो मच। मैंने जस्ट हार्डली आज के दिन में दो वीडियो पोस्ट किया है। वो दोनों ही वीडियो एरोली के लिए था, नवी मुंबई के लिए, और काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला है दोस्तों। उस वीडियो में काफ़ी अच्छा आपने लाइक्स किया है, कमेंट्स किया है, और लोगों को फॉरवर्ड किया है दोस्तों, और काफ़ी अच्छा व्यूज़ आया है दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों, कि इससे पता चलता है दोस्तों कि काफ़ी लोग हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, बिलीव करते हैं। इससे हमें दोस्तों मोटिवेशन मिलता है, जिससे हमें पता चलता है कि रियल में आप लोग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, दिए हुए एड्रेस पे इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर रहे हो, बात कर रहे हो दोस्तों। इससे काफ़ी प्राउड फील होता है दोस्तों। पता चलता है कि वीडियो बन रहा है और आप लोग उसका यूटिलाइज़ कर रहे हो दोस्तों जॉब के लिए। दोस्तों अभी जो मैं फिर से एक अभी वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, वो तीसरी जॉब ओपनिंग है, सेम लोकेशन के लिए है, एरोली के लिए, नवी मुंबई माइंड स्पेस के लिए है दोस्तों। यहाँ पे टोटल 100 की रिक्वायरमेंट है दोस्तों। दोस्तों काफ़ी खुशी की बात है, काफ़ी बिग अपॉर्चुनिटी है, और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि यहाँ पे फ्रेशर भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे ये जो ओपनिंग है ये फ्रेशर के लिए है दोस्तों। एक्चुअली एक साथ में ही मैं अगर वीडियो बना देता तो तीनों की सैलरी कन्फ्यूज़ हो जाती, तीनों की सैलरी मिक्सअप हो जाती, और आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाते, नहीं समझ पाते। यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना है, जो रिक्वायरमेंट है वो नवी मुंबई में है, एरोली में, माइंड स्पेस में दोस्तों, कैप जेमनी में है। दो रिक्वायरमेंट है दोस्तों, मैंने जो दो वीडियो डाली है वो दोनों अलग अलग है, पर दोनों सेम लोकेशन में है, नवी मुंबई में, एरोली में। एक एरोली में है, दूसरी कैप जेमनी में है। दो रिक्वायरमेंट है दोस्तों, और दोनों अलग अलग कंपनी का है। अलग अलग दोनों ऑफिसर के नाम नंबर मैंने वीडियो के स्क्रीन के ऊपर दिए हुए हैं, आप वहाँ से कॉन्टेक्ट करना। कल मॉर्निंग में 9:30 से लेके शाम को 5 बजे तक आप उन्हें कॉल कर सकते हो दोस्तों। हाँ, अभी जो तीसरी ओपनिंग मैं बना रहा हूँ दोस्तों, ये सेम एरोली कैब जेमनी में ही है दोस्तों, माइंड स्पेस में। लेकिन सबसे बड़ी गुड न्यूज़ की बात यह है कि यहाँ पे फ्रेशर कैंडिडेट के लिए जॉब ओपनिंग है दोस्तों। सैलरी भी काफ़ी अच्छी है, ड्यूटी 8 घंटा 26 दिन की है। यहाँ पे टोटल ओपनिंग 100 की है, 100 की। ध्यान रखना है, सिर्फ यहाँ पे मेल की रिक्वायरमेंट है, फीमेल की रिक्वायरमेंट नहीं है दोस्तों। मुझे कमेंट्स आ रहा है कि सर फीमेल भी अप्लाई कर सकती है क्या? देखो दोस्तों ध्यान रखना है, मैं वीडियो के स्क्रीन के ऊपर जब मैं वहाँ के ऑफिसर का नाम नंबर शेयर करूँगा, एक बार फीमेल लेडीज़ भी जॉब के लिए उन्हें कॉन्टेक्ट करे। हो सकता है कि उनके पास किसी और लोकेशन में जॉब ओपनिंग हो सकता है कि उनके फ्रेंड्स के पास हो सकता है किसी कलीग के पास हो, किसी और कंपनी में हो। बात करने का दोस्तों पैसा नहीं लगता आज के डेट में, सबके मोबाइल में रिचार्ज हम लोग जो करते हैं वो कॉलिंग आउट गोइंग फ्री है। तो 1 मिनट लगता है दोस्तों, कॉल करके बात कर लो, स्पेशली मैं फीमेल के लिए बोल रहा हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे अराउंड टोटल 100 की जॉब ओपनिंग है, ये भी सेम लोकेशन एरोली माइंड स्पेस में, कैप जेमिनी में। यहाँ पे दोस्तों फ्रेशर कैंडिडेट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये ओनली फॉर फ्रेशर के लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, यहाँ पे जो सैलरी है 17,300 है, ड्यूटी 8 घंटा 26 दिन का है, और हाइट 5 फुट 7, सेम हाइट है दोस्तों, 5 फुट 7, उम्र 18 से लेके 35 के अंदर। एक्सपीरियंस वाले भी अगर चाहे तो इस पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये जो वीडियो मेरा मेन मकसद है, सिर्फ फ्रेशर कैंडिडेट अगर अप्लाई करे तो वेल एंड गुड है, क्योंकि 100 की रिक्वायरमेंट है दोस्तों। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो, फॉरवर्ड करो, क्योंकि फ्रेशर की जॉब ओपनिंग है दोस्तों। फ्रेशर की जॉब ओपनिंग मेरे पास बार बार नहीं आती है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करते हुए जाना, चैनल पे पहली बार आए हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लो, जिससे मेरी आने वाली और भी बहुत सारी जॉब ओपनिंग आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन, उसका मैसेज आपको जैसे ही मैं वीडियो पोस्ट करूंगा तुरंत आपको मिल जाएगा दोस्तों, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहोगे तो। ठीक है दोस्तों, वीडियो के स्क्रीन के ऊपर मैं आपको ऑफिसर का नाम नंबर शेयर कर दूंगा, आप उन्हें कल मॉर्निंग में 9:30 से लेके 5 के बीच में कॉल कीजिए, वो आपको ऑफिस उनसे ऑफिस का एड्रेस लीजिए, ऑफिस के एड्रेस पे जाके विजिट कीजिए। ध्यान रखना है, जाते समय सबसे इंपॉर्टेंट शेविंग, फॉर्मल कपड़ा इन और इन करके शर्ट पैंट फॉर्मल पहनना है, जूता फॉर्मल, उसको पॉलिश कर लो, कपड़े को शर्ट पैंट को इस्त्री कर लो, पॉलिश कर लो दोस्तों, क्लीन हो जाओ, बाल कटिंग कर लो। जाते समय सबसे पहले आपका बायोडाटा, उसमें हो सके तो राइट साइड में एक छोटा सा आपका पासपोर्ट साइज का फोटो लगा लो। उसके बाद आपका पढ़ाई का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक का डिटेल्स, जहाँ पे आप काम कर रहे हो उस कंपनी का आईडी कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, या आपने कंप्यूटर का कोई कोर्स किया है, या कोई आईटी का कोर्स किया है, या एनसीसी कैंडिडेट है,
या फायर का कोर्स किया है तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रिज्यूम के पीछे अटैचमेंट कर दो दोस्तों। इससे प्लस पॉइंट ये होता है कि सिलेक्शन का चांसेस ज़्यादा हो जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फ्रेशर कैंडिडेट के लिए इंपॉर्टेंट ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो दोस्तों, जिससे मेरी आने वाली बहुत सारी जॉब ओपनिंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके। ध्यान रखना है दोस्तों, किसी को भी एक रुपया ट्रांसफर नहीं करना है, गूगल पे फोनपे नहीं करना है। जो भी करना है ऑफिस जाके विजिट करो, यूनिफॉर्म का अगर चार्जेस मांगते हैं तो इंटरव्यू दो पहले क्लाइंट लोकेशन पे जाके, सिलेक्शन होते हो, सिलेक्शन होने के बाद जब वापस आप क्लाइंट आप एजेंसी में आते हो कंपनी में, वहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, उसके सिलेक्शन के बाद आपसे यूनिफॉर्म का चार्जेस अगर मांगा जाता है तो उसके बाद आपको पे करना है। नहीं अगर है तो आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, बोले सर सैलरी में से डिडक्ट कर लीजिए। अगर कुछ अमाउंट मांग रहे हैं तो प्लीज़ सम अमाउंट अगर आप भर सकते हो तो प्लीज़ भर दीजिए, पर सिलेक्शन के बाद भरना है दोस्तों। पहले सिलेक्शन के पहले कोई भी HR ऑपरेशन ऑफिसर मैनेजर आपको बोलता है सिलेक्शन के पहले मैं आपका सिलेक्शन करवा दूंगा, पहले पैसा भरो, तो नहीं भरना है। ध्यान रखना, जिस भी एजेंसी में आप जाओगे सबसे पहला इंटरव्यू दो, सिलेक्शन हो जाओ, सिलेक्शन के बाद वापस आपको साइट पर एजेंसी में आना है, वहाँ पे आप डॉक्यूमेंट जमा कर रहे हो, आपसे अगर यूनिफॉर्म का चार्जेस मांगा जा रहा है ऑफिस के अंदर तो आप प्लीज़ भरो वहाँ पर। ध्यान रखना है आपको उनसे स्लिप कॉपी लेना है। ध्यान रखना, जिस एजेंसी में आप सिलेक्ट हो रहे हो, जो भी कंपनी XYZ, चाहे वो SIS हो, चाहे वो ग्रुप 4 हो, G4S हो, सिक्रोडाज हो, टेरियर हो, टॉप्स कंपनी हो, जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज हो, जो भी एजेंसी आपके नॉलेज में, ध्यान रखना है जो भी पेमेंट आप करते हो ऑफिस जाके ही करना है और बायकायदा उनसे रिसिप्ट कॉपी लेना है दोस्तों। कल की डेट में आप अगर पेमेंट बाहर करते हो आपके पास कोई प्रूफ नहीं रह जाएगा, कल की डेट में आपको जॉब भी नहीं मिलेगा। क्या प्रूफ है आपके पास, क्या पेमेंट कर रहे हो? गूगल पे फोनपे तो बिल्कुल नहीं करना, जो भी ऑफिस जाके करना, कैश पेमेंट करना हो सके ऑफिस जाके गूगल पे फोनपे करो दोस्तों, पर पेमेंट करने के बाद तुरंत उसे रिसिप्ट भी ले लो। एक चीज़ ध्यान में रखना है, फ्रॉड चीज़ से बचने की कोशिश करना। बहुत से लोग बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम पे, अलग अलग एजेंसी के नाम पे, लाइक्स, G4S, ग्रुप 4, SIS, सिक्रोडाज, टॉप्स, चेकमेट, जितनी भी बड़ी बड़ी एजेंसी है दोस्तों, वो लोग उनके नाम पर दोस्तों बहुत सारे दलाल बन गए हैं। वो कैंडिडेट को भड़का के फुसला के, चलो मेरे पास आ जाओ, मैं आपको 10, आप मुझे पास 2,000, 4,000, 5,000 भरो और मैं आपको डायरेक्टली जॉब पे लगा दूंगा दोस्तों। ध्यान रखना है, ये बड़ी बड़ी कंपनीज में सबसे पहला दोस्तों ज्वाइनिंग प्रोसेस होता है, उसके बाद ट्रेनिंग प्रोसेस होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है, फिर बाद में यूनिफॉर्म के पैसे सबमिट किए जाते हैं, उसके बाद पोस्टिंग ऑर्डर मिलता है दोस्तों। ध्यान रखना है, आपसे कोई भी कैंडिडेट इंटरव्यू के पहले, कोई भी ऑफिसर, चाहे वो G4S का ऑफिसर हो, चाहे वो SIS का ऑफिसर हो, किसी भी एजेंसी का ऑफिसर हो, आपको अगर इंटरव्यू के पहले या आपको ऑफिस में जाने के पहले अगर वो बाहर पैसा आपसे मांग रहा है कि चलो भाई मैं आपका सेटिंग कर दूंगा, मैं यहाँ का ऑफिसर हूँ, यहाँ का मैनेजर हूँ, आपको आप मेरे पास पैसे भर दो, मैं आपका डायरेक्ट सेटिंग करवा दूंगा, आपको डायरेक्ट ड्यूटी पे लगा दो। ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत फ्रॉड चल रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है किसी को भी ऑफिस के बाहर पेमेंट ना करें, जो भी है उनको साथ में लेके चलिए। कि अगर वो बोल रहे हैं कि मैं इस कंपनी का ऑफिसर हूँ, मैनेजर हूँ, HR हूँ, ऑपरेशन हेड हूँ, ब्रांच हेड हूँ, अगर आपको बोलते हैं तो उनको साथ में लेके कंपनी में लेके चलो, उनको बोलो मैं मुझे आपके साथ कंपनी में चलना है, आप कंपनी में जाओ, देखना वो आपके साथ नहीं आएगा। अगर वो फ्रॉड आदमी होगा तो 100% वो आपके साथ नहीं आएगा, वो बाहरी बार भाग जाएगा, इससे आपका पैसा भी बच जाएगा, आप फ्रॉड नेट से बच जाओगे दोस्तों। अगर वो बोलता है तो ऑफिस जाओ, सामने सामने ऑफिसर से मिलो, HR से मिलो। ध्यान रखना है दोस्तों, मैं आपको एक क्लू दे रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ पे हमारी कंपनी में या किसी भी बड़ी बड़ी कंपनी में दोस्तों ध्यान रखना है, HR कभी भी पैसा नहीं लेता है, ना HR पैसा लेता है, ना रिक्रूटर पैसा लेता है। पैसे लेने की अथॉरिटी एक पर्टिकुलर जो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट होता है, जो भर्ती करता है, सिर्फ उसी को अथॉरिटी होती है। ध्यान रखना है दोस्तों, आपको एक क्लू दे रहा हूँ, HR कभी आपसे ज्वाइनिंग का पैसा, यूनिफॉर्म का पैसा, या सिक्योर डिपॉजिट का पैसा, या आपको जॉब लगाने का पैसा कभी आपसे नहीं लेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, HR नहीं लेगा, ध्यान रखना दोस्तों, HR नहीं लेगा, रिक्रूटर नहीं लेगा, और आपसे अपना ऑपरेशन ऑफिसर नहीं लेगा, ऑपरेशन मैनेजर नहीं लेगा, ब्रांच हेड नहीं लेगा। आप ध्यान रखना है, आपसे ओनली फॉर पैसा, जो आपको ज्वाइनिंग कराएगा, जो आपका इंटरव्यू करवाएगा, जो आपका फॉलोअप करेगा आने तक का, सिलेक्शन होने तक का, ट्रेनिंग तक का, ड्यूटी पे चढ़ने तक का, अगर वो आपका फॉलोअप पूरा कर रहा है तो पैसा वो आपसे मांगेगा, तो आप उसके बाद जरूर भरे, पर रिसिप्ट कॉपी उससे ले लेना दोस्तों। ध्यान रखना है, ट्रेनिंग ऑफिसर, ट्रेनिंग मैनेजर को ही अथॉरिटी है पैसे लेने के दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर पसंद तो लाइक करते हो जाना, चाहे पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लो, जिससे मेरी आने वाली और भी बहुत सारी जॉब ओपनिंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकेगी दोस्तों। मेरे पास अभी बहुत सारी वेरियस टाइप की जॉब ओपनिंग आ रही है, लाइक्स, अकाउंट्स, डेटा एंट्री, बैक ऑफिस,
सेल्स का है, प्रोमोटर का है, बाइकर का है, आईटीआई का है, इलेक्ट्रिशियन का है, प्लम्बर का है, बहुत सारी जॉब ओपनिंग आ रही है दोस्तों। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना जिससे मेरी आने वाली सारी जॉब ओपनिंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके दोस्तों। ध्यान रखना दोस्तों, मेरे वीडियो के माध्यम से सिर्फ यूनिफॉर्म का चार्जेस आपसे कलेक्ट किया जाएगा, वो भी सिलेक्शन होने के बाद ड्यूटी मिलते समय आपसे कलेक्शन किया जाएगा। पहले आपको पेमेंट कहीं पे भी नहीं भरना है दोस्तों, किसी को भी गूगल पे फोन पे नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, वीडियो का अभी समाप्त करता हूँ। वीडियो के स्क्रीन के ऊपर से दोस्तों वहाँ के ऑफिसर का नाम नंबर ले लेना, कल मॉर्निंग में उसे एक बार जरूर कॉल कर लेना 9:30 से 5 के बीच में, और उसे एड्रेस ले लो, ऑफिस पहुँचो पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आपको बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, 100 की ओपनिंग्स है, रिक्वेस्ट है वीडियो को फॉरवर्ड करो जिससे 100 लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, और उस वीडियो को जो उस वीडियो के माध्यम से जो बंदा सिलेक्ट होगा वो थोड़ा आपको आशीर्वाद देगा दोस्तों। आशीर्वाद बहुत मुश्किल से मिलता है, कर्म बहुत मुश्किल से कमाए जाते हैं दोस्तों। पैसे देके तो जॉब बहुत मिलते हैं, कभी किसी को पैसे देके स्माइल करने के लिए बोलो, कभी पैसे देके किसी को बोलो थोड़ा कर्म मुझे दे दे आपका, देखो मिलता है क्या दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद एंड वंदे मातरम, गुड नाइट दोस्तों।